नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। What a tragedy यार, काश तेरा दिल मुझ पे आया होता। कसम से 5 लाख देके मैं यूं शादी कर लेती। हम बहन जी, आपसे शादी करके रोज रोज मरने से तो अपनी गरीबी अच्छी है बहन। Your loss baby, okay? ये देखो, यहाँ बैठ के ऐश कर रहे हैं ये लोग। हम इनकी जिंदगी बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं और ये यहाँ बैठकर जूस पीकर सेहत बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि 5 लाख की से नहीं हमें जरूरत है। तो मैं क्या करूँ, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रास्ते में भीख मांगता फिर अच्छा है। तब तुम लोगों को लगेगा कि मैं परेशान। तुम क्यों बुरा मान रहे हो? तुम लोग सब इसके पीछे क्यों पड़े हो? मैं हूँ ना पीछे पड़ने के लिए। ये सब फालतू बातें छोड़ो यार, मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त न्यूज लाया। क्या करीबा? किडनैपिंग का प्लान हो चुका है, वो भी एकदम परफेक्ट प्लान, और मौका भी बहुत अच्छा है। कल आयशा का बर्थडे है, ठीक है? इसके पिता यानी तेरा विद्रोही एक डिनर पार्टी दे रहे हैं। वहां मैं, मेरे माता पिता और इन दोनों के माता पिता है। तुम लोग वहां आके मुझे किडनैप करना, इनकी आंखों के सामने। अरे हाँ, फिर तो किसी को जरा भी शक नहीं होगा। विकास जरा सोच ले यार, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लगता। फिर तुमने डैडी से चैलेंज कर लिया? हाँ, एक तो हम सब तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम। अबे तुझे तो खुश होना चाहिए कि हम जैसे हमदर्द मिले तुझे। हाँ अच्छा, अब देखो प्लान इज फाइनल। कल रात 10 बजे होटल ड्रीमलैंड। देखो मैं तुम लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। दीनानाथ जी को देखकर तुम लोग घबराना मत। क्यों क्यों? क्या है कि उनका रहन सहन कुछ अलग है। वो कपड़े नहीं पहनते। क्या? नहीं, वो उनका स्टाइल अलग है। वो लेकिन दीनानाथ पागल है और उसे देखकर तुम लोग घबराना मत। लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? घर से तो निकल गए होंगे। घबराना मत। क्या है कि अब देखो ना, वो अरे आ गए। यस मिस्टर विद्रोही, दिस वे प्लीज। आइए बाबूजी। सुपरमैन नजर न लगे परी ढूंढी है मेरे बेटे ने। ये ले बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे मैं भी इसे यही कह रहा था कि इसकी क्या जरूरत है, पर इस टेबल पर मेरी कोई। बाबूजी आप बैठ तो जाइए। अच्छा ठीक है। सब तैयार हो ना? हाँ। क्या ये देखो तमंचा, लगता है ना बिल्कुल असली। और ये कंबल, और ये है नकाब। सुनील तुम चलो, मैं पहुंच जाऊंगा। Holy shit! मेरे पिताजी कहा करते थे जहाँ खाना खाने जाओ वहाँ कुछ भी छोड़ कर मत आओ, वहाँ पाप लगेगा। अरे लेकिन बाबूजी मैं बाहर जाके पान लगवाता हूँ। मेरे दो, मेरे दस, पांच। आओ आयशा, मीठा सुपारी का थाला लगा के काटे। मेरी फाइल का क्या हुआ जी? विचार कर रहे हैं ना, गंभीरता से विचार कर रहे हैं। गंभीरता से नहीं, जल्दी करो विचार। हाँ, ये सब कुछ एडजस्ट टू द बिल प्लीज। पान
यहाँ भी फोन पर लगे हुए हो। चलो एक मिनट आई फोन लेटर बस सॉरी चलो। पता नहीं बेवकूफ अभी तक आया नहीं। आइए आइए कमला बापू आ गए। ये लो पान भी बन रहा है आपके। दीदी आप कौन सा मीठा खाओगे? हाँ आप क्या लेंगी? हाँ जी मीठा चलेगा लेकिन बहुत मीठा नहीं। हम अरे क्या अरे अरे छोड़ हेलो कंट्रोल। हाँ हाँ भाई अबे कमाल कर दिया यार। मैं तो समझा तूने इंस्पेक्टर को देखकर प्लान ही कैंसिल कर दिया। लेकिन तुमने मुझे क्यों खींच लिया? क्या करूँ जानू तेरे बगैर तो एक पल नहीं रह सकता। मतलब ये कि मैं भी तुम्हारे साथ किडनैप हो गई? हाँ। ओफो हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़ रखा है? हाँ छोड़ना यार उसे। जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा, मेरी बेटी, ना जाने वो लोग क्या कर रहे होंगे उसके साथ। मम्मी रो मत, आयशा को कुछ नहीं होगा। चंद्रमुखी देखो जब तुम खाती पीती नहीं हो ना तब तुम अच्छी नहीं लगती और तुम्हारा दिमाग भी सही काम नहीं करता, कुछ भी अनाप शनाप बोल देती हो। अरे पुलिस ढूंढ रही है ना, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। भाभी जी अभी जरा धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब अभी तक कोई पता नहीं चला। देखो शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर कड़ी निगरानी रखो, मैं अभी पहुंचता हूँ। भाभी जी विकास की किसी से कोई दुश्मनी थी? मतलब ऐसा कोई जिसके ऊपर आपको शक हो? जीजा जी आपकी? मेरी मतलब कि राजनीतिक ऐसा कोई आपका विरोधी हो? मैं तो गांधीवादी नेता हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, बेटे की कोई फिक्र नहीं है। देखो जी किडनैपर्स जितने भी पैसे मांगेंगे तुम्हें देना पड़ेगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी, सुन रहे हो ना? बड़ा अजीब दस्तूर है हमारा, कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन, कौन किससे प्यार करता है कौन किससे प्यार नहीं करता, इसका आदमी फैसला खुद नहीं करता बल्कि दूसरे करते हैं। और हमारे घर में मेरी धर्मपत्नी करती है। इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने बेटे विकास से प्यार नहीं करता। अरे तुम होती कौन है मुझे माफ नहीं करने वाली, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने बेटे को गले लगाकर मेरा बेटा करती रहती हो। तुम समझती हो कि तुम उसे प्यार करती हो और मैं उसकी बदमाशियों से परेशान होता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करता हूं। हां ये बात सही है कि मैं कंजूस हूं लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भगवान ने बनाया ऐसा है, जैसे किसी को रईस बनाया तो किसी को गरीब, किसी को आस्तिक बनाया तो किसी को नास्तिक, किसी को दरिया दिल बनाया तो किसी को कंजूस, मुझे कंजूस बनाया है। और जहां तक मेरी औलाद की जिंदगी का सवाल है इतना याद रखो शांति देवी कि मेरा नाम भी दीनानाथ सब कुछ वाला है। अरे रुपया तो क्या ये सब कुछ, एक कबाड़ खाना सब कुछ बेच दूंगा लेकिन अपने बेटे की जिंदगी पर आंच नहीं आने दूंगा, समझी तुम? बता चट्टन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम बता, मुझे नहीं मालूम बता काय रुक जाओ, इसे मत मारो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे मत मारो। ठीक है तुझे तुम इसे छोड़ देते हैं, तुझे मारेंगे सबो, तब ये बताएगा। देख उसको हाथ मत लगाना सबो। कुछ बताया उसने? अभी तक तो नहीं लेकिन बताएगा, बहुत जल्द बताएगा। कर्नल साहब का हुक्म है कि इन दोनों को उनके दरबार में पेश किया जाए। ठीक है आप इन दोनों को ले जाओ। इसका एक दोस्त है सुनील जो इस दिन इसके साथ था, मैं उसे भी ले आता हूं। वैन आ चुकी है, उन दोनों को रिसर्च रूम में कर्नल के सामने पेश करो। सर यह है विकास। इससे तो मैं बाद में बात करूंगा। कमांडो
क्रिप्टन जैसी कीमती चीज को इसके जीप में छुपाकर तुमने अपनी बेवकूफी का सबूत दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ शिकार साहब, क्रिप्टन मिल जाएगा, सिंबल लेके आता ही होगा सर। हाँ, मगर उसे देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे कैप्टन। कर्नल साहब, कर्नल साहब मुझे माफ कर दो कर्नल साहब, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा कर्नल साहब, मुझे माफ कर दो कर्नल साहब। कैप्टन, कैप्टन मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा सगा भाई हूँ कैप्टन, मुझे मत मार कैप्टन, नहीं मैं तेरा सगा भाई हूँ कैप्टन, नहीं 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 कैप्टन नहीं, मुझे माफ कर दो कर्नल साहब। हाँ, अब बताओ क्रिप्टन कहाँ है? इन पुलिस वालों के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, हम कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आता ये सिर्फ कोशिश क्यों करते, काम क्यों नहीं करते? समझ में नहीं आता विकास को कहाँ ढूंढूं? I just don't understand. विकास हमारे कब्जे में है। क्यों, क्या चाहते हो तुम? ज्यादा स्मार्ट मत बन, तू अच्छी तरह जानता है मैं क्या चाहता हूँ। क्या? क्रिप्टन, जो तुम लोगों ने छुपा रखा है। मैं क्रिप्टन के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानते? नहीं। परसों रोड पे जब पुलिस तलाशी ले रही थी तब मैंने क्रिप्टन को जीप में छुपाया था, और जब मैंने विकास के घर की तलाशी ली तो मुझे खाली बैग मिला। मैं जानता हूं कि क्रिप्टन इतनी कीमती चीज है कि किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि अगर हमें क्रिप्टन नहीं मिला तो तुम विकास और आयशा की लाश भी नहीं देख पाओगे। मैं उनकी लाश भी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं उन्हें जिंदा ले आऊंगा कमीने। रामजादे, विकास कहां? कर्नल चिकारा की कैद में। कर्नल चिकारा? हाँ। तुम्हें उसके घर में खाली बैग मिला? हाँ। ठीक है, मैं किसी भी तरह तुम्हें क्रिप्टन पहुंचा दूंगा, मगर उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? ठीक है, कल शाम को क्रिप्टन लेके तुम मुझे 5 बजे पूना के 10 किलोमीटर वाले माइलस्टोन पे मिलना। लेकिन सुनो, शहर में पुलिस का बहुत बंदोबस्त है,
अगर क्रिप्टन पुलिस उसकी फिक्र तुम मत करना, तुम्हें क्रिप्टन मिल जाएगा, मगर उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? समझे? मुझे नहीं लगता क्रिप्टन इतनी आसानी से मिलने वाला है। अगर बैग यहाँ है तो क्रिप्टन भी यहीं कहीं होगा, ढूंढो प्लीज। एक कील कभी इस घर से मैंने बाहर नहीं फेंका, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक दिन यही कबाड़ मेरे बेटे की जान का दुश्मन बन जाएगा। कल उन्हें क्रिप्टन पहुंचाना है। अरे एक साल गुजर जाएगा यहां ढूंढते ढूंढते। तुम ठीक कहती हो शांति, ये घर किसी फुटपाथ से कम नहीं है। अंकल आप परेशान मत होइए, आंटी जी हम क्रिप्टन ढूंढ के ही रहेंगे। क्या बताऊं बेटे, जब से विकास गया है मेरी जिंदगी में तो अंधेरा हो गया है। अंधेरा? अंकल अंकल अंकल, वो मुरारी मुरारी, घर के सारे लाइट्स बंद कर दो। जी मालिक, कर रहा हूं। सारे लाइट जल्दी। लाइट ऑफ करने से क्या फायदा बेटे, अंधेरा करने से क्या होगा? क्रिप्टन, अंकल क्रिप्टन तो मिल गया, मगर अब भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? पुलिस को भी क्रिप्टन की तलाश है, उन्होंने सारे शहर में नाकाबंदी कर रखी है, उनसे बचाकर इसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, पुलिस तो क्या, पुलिस के कुत्ते भी नहीं सूंघ पाएंगे। आप लोग जा सकते हैं, इन्हें जाने दो। रोको रोको गाड़ी रोको, गाड़ी में क्या है? मुर्गियां हैं, आजकल भौंकती हैं। मजाक उड़ाता है? अरे भाई साहब, ये खुद ही भौंक भौंक के अपनी जात बता रहे हैं और आप ही फिर भी पूछ रहे हैं। भैया मैं भी आपकी तरह जनता की और देश की सेवा कर रहा हूँ, इसमें शहर की कुछ आवार और पागल कुत्ते हैं, उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। बस बस बस, गेट खोलो। लेकिन ये दोनों कौन हैं? ये इनके कुत्ते को लवेरिया हो गया है। मलेरिया? मलेरिया नहीं, लवेरिया। जाए? ठीक है जाने दो इन्हें। बच गए। अंकल पुलिस से तो बच गए, मगर क्रिप्टन कहाँ? अरे बेटा चिराग तले अंधेरा। ये लो। अंकल एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गाड़ी रोके गाड़ी रोके। अंकल हम वो मोटरसाइकिल लेकर निकलते, आप विद्रोही जी को लेकर वहां पहुंचे। ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। अंकल आप कमाल है। अच्छा ठीक है उतरो उतरो। अरे अरे मेरा मोटरसाइकिल, अरे भाई साहब मेरा मोटरसाइकिल ले गए, अरे कोई पकड़ा उन्हें। मौसम भी कमाल है। मिल गया।
क्रिप्टन मिल गया। चलो गाड़ी में बैठ। आज के मुख्य समाचारों में रिसर्च सेंटर से चुराए हुए क्रिप्टन का कुछ पता नहीं। नेता राम गोपाल वर्मा कल अलोका भवन में हो रही मीटिंग को स्थगित करने को तैयार नहीं, हमारे संवाददाताओं से उन्होंने कहा। हम मानते हैं कि हमारी जान को खतरा है, मगर हम अलोका भवन की सभा को बर्खास्त नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आतंकवादियों को बल मिलेगा। मैं इस देश के उन गद्दारों को बता देना चाहता हूँ कि भारत के सपूत मौत से नहीं डरते। तुम एक राम गोपाल को मारोगे तो भारत माँ यहाँ की मिट्टी के कण कण से लाखों पैदा करेगी। मैं इस देश की सभी पार्टियों की नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि वो सभा में पहुंचकर इन समस्याओं का हल निकालने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नेताजी, आपने अपने मरने की जगह अच्छी चुनी है। अलोका भवन। कर्नल साहब, यह है सुनील, विकास का दोस्त। क्रिप्टन कहाँ है? विकास कहाँ है? चिकारा से सवाल मत करो, क्रिप्टन कहाँ है? मिल गया। प्रोफेसर, यस सर। इसे जल्दी बॉम्ब में फिट करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जाओ।